हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रवि, आप देख रहे हैं गोल्डन बुल्स। आज मैं आपको एक नया इंडिकेटर है जो एक मिनट स्कैल्पिंग करने के लिए आपको काम आएगा ट्रेडिंग जर्नी में आपके। तो वो जो इंडिकेटर है एक मिनट पे काम करेगा और निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में वो काम करने वाला है। तो एक नहीं बल्कि वो दो इंडिकेटर हैं स्कैल्पिंग के जो बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं और आपको जो है एक्यूरेसी काफ़ी अच्छा आपको मिल सकता है। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पे नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हो ताकि ऐसे नए नए वीडियो जो है एजुकेशनल पर्पज़ के लिए जो वीडियो हम प्रोवाइड करते हैं उसका फ़ायदा आप उठा सके। और मेरा टेलीग्राम चैनल भी है तो आप उससे भी जुड़ सकते हो। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये इंडिकेटर जो है, सबसे पहले आपको इंडिकेटर टाइप करना है यहाँ पे जिसका नाम है 1 मिनट इजी। 1 मिनट इजी भी अगर आप लिखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा बुल ट्रेडिंग 1 मिनट इजी स्कैल्पिंग SYS वर्जन 3.0 बुल ट्रेडिंग AM जिसका ऑथर है। और यहाँ पे अगर देखोगे ये जो नंबर है 2682, ये वाला आपको प्लॉट कर लेना है। ये वाला इंडिकेटर है, वो दिखने में कुछ उसका इंटरफेस जो है इस तरह से दिखेगा। तो इसको पहले हम टाइम फ्रेम चेंज कर लेते हैं। तो ये मैंने टाइम फ्रेम जो है 1 मिनट लगा लिया। ये निफ्टी 50 का चार्ट है और ये 1 मिनट टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पर आपको जो दिख रहा है यहाँ पर लॉन्ग पोजिशन, ये शॉर्ट पोजीशन, ये आपको यूज़ नहीं करना है, इसको हम इग्नोर करेंगे। इसको मैं बाद में ऑफ़ करना है, वो मैं आपको दिखा दूँगा। अभी इसको ये वाला जो इंडिकेटर है इसको समझते हैं। ये वाला जो येलो लाइन आपको दिख रहा है, ये वाला, ये आपको ओवरऑल ट्रेंड जो है वो बताएगा। और ये जो रेड एंड ग्रीन वाला जो लाइन दिख रहा है, ये हमारा बाय सेल सिग्नल का काम करेगा। तो इसको कैसे यूज़ करना है वो हम बाद में समझेंगे। इसको एक और ये जो फॉल्स सिग्नल कभी कभी देगा आपको, तो उसको भी हम कैसे रिफाइन करेंगे। तो फॉल्स सिग्नल से कैसे बचना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वो एक और इंडिकेटर है, उसकी मदद से हम जो फेक बाय सेल सिग्नल हमें मिलेगा उसको हम अवॉइड कर सकते हैं उस चीज़ से। तो चलिए इसको समझ लेते पहले इंडिकेटर क्या है। तो ये जो है फर्स्ट, ये हाई टाइम फ्रेम का भी एनालिसिस बताता है। ये 1 मिनट से लेके 30 मिनट का जो है ये टाइम फ्रेम जो है हायर टाइम फ्रेम का हमें सिग्नल प्रोवाइड करता है। केसी लेंथ जो है ये मुझे समझ में नहीं आया क्या है केसी मल्टीफैक्टर जो भी है। ये अलग अलग शायद इंडिकेटर का उन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। ये बीबी लेंथ बोले तो मतलब बीबी लेंथ का मतलब बॉलिंजर बैंड है। ये जो है ट्रेंड लेंथ पीरियड है 100 का, मल्टीप्लायर है 20 का। तो ये सिर्फ आप ओवरव्यू देख लो, इसमें कुछ हमें चेंजेस करने नहीं है, बस आपको समझाने के लिए मैंने ओपन किया है। और इसमें जो है ये वाला जो सेक्शन है सिर्फ हमें बुल एरो और बियर एरो, मतलब ये वाला जो दिख रहा है ना आपको लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजिशन, ये हम कर देंगे ऑफ दोनों, ठीक है। तो देखो अभी आपको यहाँ पे बाय सेल सिग्नल नहीं मिलेगा, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि यहाँ पे तो बाय सिग्नल या सेल सिग्नल दिखा रहा है तो हमें यहाँ पे सेल करना ही नहीं करना है। तो वो मैंने हटा दिया है। अब आते हैं दूसरे इंडिकेटर पे, आपको नाम इसका मैं बता देता हूँ, एंडीन ANDEAN एंडीन ऑस्किलेटर SCI। देखो यहाँ पे आ गया ऑनडेन एस ऑस्किलेटर, एलेक्स ग्रोवर जिसका ऑथर है। और ये 1552 जो ये नंबर दिख रहा है, ये शायद उनके कुछ सब्सक्राइबर या कुछ होंगे या डाउनलोड जिन्होंने यूज़ किया है वो होता है शायद। तो इसको आपको कर लेना है प्लॉट। तो ये आ गया हमारा सेकंड इंडिकेटर, आप यहाँ पे देख सकते हो इसका इंटरफेस कैसा है। ये वाला है हमारा सेकंड इंडिकेटर, ठीक है। तो इसका भी अगर देखेंगे तो इसके सेटिंग में कुछ भी नहीं करना है, जो एज इट इज़ हमें रखना है। इनपुट्स में भी अगर लेंथ देखेंगे 50 का है सिग्नल, लेंथ 9 का है। तो
ये हमें चेंजेस इसमें कुछ भी नहीं करने हैं। तो चलिए अभी मेन पार्ट पे आते हैं, ये बाय और सेल किस तरह से हमें करना है। तो चलिए अभी निफ्टी का आज का ही देख लेते हैं। ये देखो ओवरऑल जो है अभी ये जो सिग्नल है ये वाला येलो वाला, ये हमें क्या दिख रहा है अभी पॉजिटिव साइड में दिख रहा है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे अगर देखेंगे तो नेगेटिव था यहाँ पे, अब यहाँ से टर्न अराउंड होके ये पॉजिटिव में आया है। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है इस इंडिकेटर में, यहाँ पे जब भी और इसका जो आप टारगेट रखोगे ये 1:5 आपका टारगेट होगा, पोजीशन जो लोगे आप तो 1:5 का आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा। तो अगर देखोगे ये वाला जो है येलो लाइन यहाँ पे, ये सेकेंड इंडिकेटर दिख रहा है, ये येलो लाइन जो है, येलो लाइन को जब भी ये ब्लू वाला लाइन दिख रहा है ना, ये वाला ये ब्लू लाइन जब भी येलो लाइन को क्रॉस करेगा, यहाँ पे इसने क्रॉस किया देखो यहाँ पे, और यहाँ पे ये वाला येलो जो ट्रेंड अपना ट्रेंड वाला लाइन है, मतलब जो ट्रेंड दिखाता है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इस प्राइस इसके ऊपर अगर लॉन्ग पोजीशन आपको करनी है तो जो प्राइस है इसके ऊपर होनी चाहिए, और ये वाला जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है ना इसके भी ऊपर निकलनी चाहिए। और मतलब ये तीन कन्फर्मेशन हमें चाहिए, येलो वाली जो ट्रेंड की लाइन है ये हमें ट्रेंड बताएगी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और ये वाला जो सिग्नल है ये ग्रीन में कन्वर्ट होना चाहिए, और ये वाला जो ब्लू वाला लाइन है ये येलो लाइन को क्रॉस करना चाहिए, क्रॉस होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखोगे आप, मैं थोड़ा जूम करता हूँ इसको तो आपको समझ में आएगा। इसका मैं आपको कैंडल का अगर कलर देखोगे यहाँ पे, देखो आपको कुछ डार्क रेड दिख रहा है और डार्क लाइट वाला जो है ना, लाइट वाला भी आपको कलर दिख रहा है, यहाँ पे डार्क वाला रेड कैंडल दिख रहा है और लाइट वाला रेड कैंडल दिख रहा है। वैसे अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये डार्क, ये वाला डार्क है और ये वाला लाइट कलर आपको दिख रहा है, मतलब जो ज़्यादा ब्राइट है, और ये वाला जो है ये आपको थोड़ा सा डार्क शेड आपको दिख रहा होगा। तो इसका भी इम्पोर्टेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम एंट्री कहाँ पे लेंगे, मेन चीज़ मेन पार्ट जो है यहाँ पे एंट्री मेथड क्या है इसका समझ लेते पहले। तो हमें दो कन्फर्मेशन मिल गई कि ये ट्रेंड जो है पॉजिटिव हो चुका है, और ये वाला जो ब्लू कलर का जो लाइन आ रहा है इसने येलो लाइन को क्रॉस कर दिया है, येलो या इसे आप ऑरेंज भी बोल सकते हो, ये वाला जो सेकंड इंडिकेटर, तो यहाँ पे इसने क्रॉस कर दिया है, यहाँ पे इसने क्रॉस तो कर दिया, लेकिन हमें ये वाला जो जब तक ग्रीन वाला कैंडल नहीं मिलता है, मतलब ये जो लाइट ग्रीन दिख रहा है ना यहाँ पे, ये वाला जो ब्राइट है ज़्यादा, ये वाला कैंडल जब तक नहीं मिलता है तो हमें कोई भी एंट्री नहीं करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही ये वाला कैंडल फॉर्मेशन हो गया, ये जो ब्राइट कलर का जो कैंडल है ग्रीन वाला, ये फॉर्म होने के बाद आपको नेक्स्ट कैंडल के ओपनिंग पे एंट्री लेनी है लॉन्ग पोजीशन के लिए। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये वाला जो कैंडल है इसके ओपनिंग के ऊपर ही आपको यहाँ पे पोजीशन लेनी है लॉन्ग साइड के लिए, और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा ये इस सिग्नल लाइन के नीचे रहेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपका ये आपका एक मिनट बंद कर देता हूँ, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा और आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो रहेगा ये मिनिमम 1:5 का रहेगा। ये 1 मिनट का चार्ट है, ये याद रखना, 1:5 का मैं यहाँ पे लगा देता हूँ यहाँ पर, ये अगर देखोगे आप तो ये 1:5 का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री बना आपका इस पॉइंट पे, ये वाला जो ब्राइट वाला कैंडल है ये फॉर्मेशन होने के बाद सेकंड जो उसके बाद जो सेकंड कैंडल ओपन होगी उसी के ओपनिंग पे आपको एंट्री लेनी है, और ये वाला जो लाइन दिख रहा है ना, ये वाला ट्रेंड का ट्रेंड नहीं सॉरी, ये वाला जो ग्रीन और रेड वाला जो लाइन दिख रहा है ये, इसके नीचे आपको स्टॉप लॉस प्लेस करना है, और आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा वो 1:5 का रहेगा। तो यहाँ पर अगर देखोगे 1:5 रिस्क रिवॉर्ड 4, ओके। तो यहाँ पे आपको देखो इसमें टारगेट लगभग है यहाँ पे, अगर ये तो आज का दिख रहा है यहाँ पे, ये
टारगेट तो पूरा नहीं मिला इसमें, लेकिन अगर देखोगे तो यहाँ तक टारगेट मिला है, जो कि 1:4 का टारगेट यहाँ पे हमें मिल चुका है बाइंग साइड के लिए। ठीक है, अब चलिए एक और मैं आपको एंट्री दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ पे एंट्री बना मिला है हमें। देखो यहाँ पे ट्रेंड हमें नेगेटिव मिला है, यहाँ पे ये वाला जो लाइन आ रहा है ये प्राइस जो है इसके नीचे है, तो ट्रेंड जो है यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, और ये वाला जो सिग्नल है इसने यहाँ पे हमें सिग्नल दिया है कि यहाँ पे ये ब्रेकडाउन हुआ है, और ये वाला जो देखेंगे ये वाला जो हमारा ब्लू कलर का जो लाइन दिख रहा है ना, इसने यहाँ पे इसको नीचे की साइड जो है कट कर दिया है, तो यहाँ पे हमें ये सिग्नल मिला है और ट्रेंड भी यहाँ पे नेगेटिव है। प्लस ये जो कैंडल है ये डार्क कलर की है पूरी, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो हमें एंट्री कहाँ पे लेनी है, ये जो डार्क कैंडल बनी है ये सिग्नल के बाद, सॉरी यहाँ पे इसने क्रॉस कर दिया है यहाँ पे, तो नेक्स्ट कैंडल जो ओपन होगी यहाँ पे हमें एंट्री लेनी है शॉर्ट साइड के लिए। ठीक है, इस कैंडल ने हमें एंट्री इससे सिग्नल मिला और यहाँ पे हमें ओपनिंग पे ही एंट्री मिली। ठीक है, और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा इस लाइन के ऊपर रहेगा, मतलब यहाँ पे ये जो लाइन दिख रही है ना आपको यहाँ पे, और आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो रहेगा 1:5 का, ये फिक्स रहेगा आपका 1:5, ये आपको प्रॉपरली फॉलो ही करना है 1:5 का। और अगर आपको थोड़ा सा छोटा भी अगर आपको लेना है स्टॉप लॉस, अगर आपका छोटा सा बन रहा है तो आप रिस्क रिवॉर्ड जो है आपका 1:4 भी कर सकते हो, 1:3 भी कर सकते हो, जैसा आपका साइकोलॉजी है या रिस्क मैनेजमेंट या मनी मैनेजमेंट आपका जो भी रहेगा उस तरीके से आप यहाँ पे टारगेट ले सकते हो। तो अगर देखोगे यहाँ पे तो ये पूरा हमें टारगेट नहीं मिला इसमें, लेकिन अगर देखेंगे यहाँ पे तो 1:2 का हमें लगभग टारगेट यहाँ पे भी मिल चुका है सेलिंग साइड के लिए। ठीक है, और अगर यहाँ पे भी अगर देखोगे, अगर हम स्ट्रेट की बात करें यहाँ पे ये वाला एक सिग्नल यहाँ पे जनरेट हुआ, तो देखो यहाँ पे ट्रेंड ऑलरेडी नेगेटिव है, और यहाँ पे इस वाले लाइन ने जो है ब्लू वाले लाइन ने, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसे, ब्लू वाले लाइन ने जो है यहाँ पे ऑरेंज वाला लाइन को यहाँ पे क्रॉस कर दिया था इस कैंडल पे, और हमें जो कैंडल चाहिए थी डार्क रेड वाली वो भी यहाँ पे फॉर्मेशन हो चुकी है, तो हम यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन ओपन करेंगे इस कैंडल पे। इस कैंडल ने हमें सिग्नल दिया और क्रॉस भी हुआ था यहाँ पे, तो नेक्स्ट कैंडल पे के ओपनिंग पे हम यहाँ पे अपना ट्रेड ओपन करेंगे, जिसका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा 1:5 रहेगा। यहाँ पे अगर देखेंगे ये 1:5 हो गया, और इसके ऊपर जो है इस लाइन के ऊपर हम स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे। अगर यहाँ पे एकदम अगर ये लाइन देखेंगे तो बिल्कुल ही पास है, तो हम जो है इसको थोड़ा सा यहाँ पे इस हाई पे लेंगे, जो रिसेंट यहाँ पे हाई बना है इसके थोड़ा सा ऊपर हम रखेंगे बफर थोड़ा सा। तो अगर देखोगे यहाँ पे आपको लगभग 1:5 से ज़्यादा यहाँ पे आपको टारगेट मिल चुका है। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1:9 का लगभग टारगेट, उससे भी नीचे गया था शायद। यहाँ तक अगर देखोगे 1:10 का आपको टारगेट मिल चुका है, ये देखो यहाँ पे। तो ये एक सेलिंग साइड का ट्रेड था, ये बहुत ही ज़बरदस्त इंडिकेटर है, बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। देखिए कोई भी इंडिकेटर या कोई भी स्ट्रैटेजी मार्केट में 100% नहीं बनी है आज तक, तो कुछ ट्रेड जो है आपके गलत भी जा सकते हैं, कुछ SL भी हिट हो सकते हैं, लेकिन SL इज़ पार्ट ऑफ द गेम, तो उसको भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो SL भी फ्रिक्वेंटली जाएंगे आपके, तो SL आपको लेने पड़ेंगे, लेकिन इसका जो टारगेट मिलेगा आपको तो एक्यूरेसी काफ़ी इसकी हाई मिलेगी आपको। तो चलिए एक और ट्रेड आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे सिग्नल जनरेट हुआ था, यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे इस कैंडल, ये जो कैंडल है इसके नीचे क्लोजिंग मिली और ट्रेंड भी नेगेटिव हो चुका था यहाँ पे, हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव भी गया था लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये ब्लू लाइन जो है उसने क्रॉस नहीं किया था, तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनता है ना। तो ऐसे अगर सिचुएशन आएगी तो आप यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे,
जब तक यहाँ पे ब्राइट जो कैंडल है ग्रीन, हमारी जो क्राइटेरिया है कि हमें ब्राइट कलर की ग्रीन कैंडल चाहिए, तो यहाँ पे देखोगे तो ये डार्क कलर की है, तो यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बनेगी। और सेलिंग साइड में यहाँ पे जब भी मार्केट ने नेगेटिव साइन दिया, प्राइस इसके नीचे भी आया। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये हमारा ब्लू जो लाइन है, ब्लू कलर का जो लाइन है, इसने ऑरेंज कलर के लाइन को यहाँ पे क्रॉस किया था इसी पॉइंट पे। लेकिन यहाँ पे हम ट्रेड ओपन नहीं करेंगे, क्योंकि ये वाला जो हमारा ट्रेंड वाला जो लाइन है, ये डॉट वाला, उसके ऊपर प्राइस था। तो जब इसके नीचे आया तो आप इस यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड ओपन कर सकते हो शॉर्ट साइड का, यहाँ पे इस कैंडल पे। और जिसका एसएल जो है यहाँ पे रहेगा, या यहाँ पे आप रख सकते हो, यहाँ पे अगर रखोगे तो ये थोड़ा सा बड़ा कैंडल है हमारा बुजू टाइप, तो इसके हाई के ऊपर भी रख सकते हो या फिर यहाँ पे भी आप रख सकते हो। और इसका भी आपका जो टारगेट रहेगा 1:5 का आपका टारगेट रहेगा मिनिमम टारगेट, या आप इसे बड़ा छोटा भी कर सकते हो टारगेट, तो ये आपके ऊपर है। लेकिन मिनिमम आप 1:5 मैं प्रीफर करूँगा, और आप 1:3 1:4 भी ले सकते हो। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो 1:5 हमें टारगेट मिल चुका है। ये मैंने आपको अभी तक 2-3 ट्रेड जो दिखाए, 2 सेलिंग के दिखाए, 1 बाइंग का दिखाया मैंने। तो चलिए यहाँ पे बाइंग का भी मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको फिर से। यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे जो है इस ब्लू वाली लाइन, ब्लू वाला जो लाइन है, इसने ऑरेंज वाले जो लाइन को यहाँ पे क्रॉस कर दिया है, ठीक है। ये इस पॉइंट पे क्रॉस हो चुका है। और हमें ये वाला जो है, जो ट्रेंड वाला जो है सिग्नल है, ये डॉटेड वाला, उसने हमें अभी तक सिग्नल नहीं दिया, तो हम यहाँ पे कोई एंट्री नहीं लेंगे, चाहे वो पॉजिटिव में ही क्यों ना हो। ये जो ट्रेंड दिखा रहा है और ये दिखा रहा है, वो चाहे पॉजिटिव हो, लेकिन ये वाला जो है प्राइस इसके ऊपर नहीं था यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे हम कोई एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे जो है, ये वाला जो अपना ट्रेंड है, जो ट्रेंड हम देखते हैं इंट्राडे में 1 मिनट में जो ट्रेंड है, ये यहाँ पे नेगेटिव था, प्राइस इसके नीचे था, इसलिए हम यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बनाएंगे। तो ये हमें एक फॉल्स सिग्नल की तरह हम इसे देखेंगे, ठीक है। तो चलिए और देखते हैं बाइंग में कहाँ पे हमें ट्रेंड मिला। तो देखो, ये जब तक ये प्राइस इसके नीचे है तो हम कोई बाइंग का ट्रेड नहीं लेंगे, चाहे यहाँ पे क्रॉस भी कर रहा हो तो हम बाइंग का ट्रेड नहीं लेंगे। तो चलो, यहाँ पे एक और दिख रहा है मुझे, ये सेलिंग का है मुझे दिख रहा है यहाँ पे। हाँ, अब यहाँ पे अगर देखोगे तो सेलिंग का ट्रेड यहाँ हमें दिख रहा है, लेकिन प्राइस इसके ऊपर है तो हम यहाँ पे सेलिंग का भी ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि प्राइस जो है इस ट्रेंड का जो हमारा डॉटेड लाइन है इसके ऊपर है, तो यहाँ पे हम कोई सेल का एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है। जब तक प्राइस इसके नीचे नहीं आएगा तब तक हम कोई सेल की एंट्री नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो इसने यहाँ पे क्रॉस कर दिया था, और ट्रेंड भी जो है हमारा यहाँ पे प्राइस ट्रेंड के नीचे भी आ चुका था। तो यहाँ पे देखोगे तो ये क्रॉस भी यहाँ पे कर चुका था, लेकिन यहाँ पे भी कोई एंट्री हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसे अगर आपको मिलेंगे ट्रेड तो काफ़ी एक्यूरेसी आपको आपके ट्रेडिंग में बढ़ जाएगी, तो आप इस इंडिकेटर को यूज़ कर सकते हो। और आपको कुछ भी दिक्कत आती है या कुछ आपको क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और हाँ फ्रेंड्स, इसको जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जो भी बिगिनर्स हैं उनका ट्रेडिंग जर्नी में हेल्प हो जाएगा। और इस वीडियो को जो है हम कम से कम लाइक एम जो रखते हैं, कम से कम 500 लाइक हम एम रखते हैं। और दोस्तों देखिए, अगर आप लाइक और कमेंट्स करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है, तो हम ऐसे नए नए वीडियो जो है आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। और भी बहुत सारे जो इंडिकेटर्स के वीडियो है, अभी मैंने इंडिकेटर सीरीज़ भी मैंने शुरू की है, तो 2-3 वीडियो मैंने यहाँ पे डाल चुका हूँ मैं। अगर यहाँ पे देखोगे तो ये प्लेलिस्ट जो है, अभी मैंने इस पे काम करना चालू कर दिया है, जो कि इंडिकेटर सेक्शन की जो प्लेलिस्ट है, यहाँ पे अगर देखोगे आप, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर देखोगे ये वाला जो है, ये इंडिकेटर वाला सेक्शन है, यहाँ पे मैंने 8 वीडियोज़ अब तक डाले हैं,
तो अभी इसमें बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जो कि आपको डेली लेवल जो है निफ्टी बैंक निफ्टी के हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो अगर यहाँ पे देखोगे डेली एनालिसिस वीडियो भी आपको मिलेंगे और कुछ स्टॉक्स हैं उनके भी एनालिसिस वीडियो मैं यहाँ पे डालता हूँ। अगर आप देखोगे रेणुका शुगर का और जो बजाज हिंद शुगर है इसका एनालिसिस वीडियो मैंने इसके बाइंग और सेलिंग के लेवल्स भी दिए थे, कहाँ पे आपकी एंट्री बनेगी, कहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हो, क्या टारगेट रहेगा, मैंने ये प्रॉपरली यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि 40-45 रुपये का पेनी शेयर्स जो है रेणुका शुगर और बजाज हिंद उसका मैंने एनालिसिस वीडियो बनाया था। तो आप जाके यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो या मैं एंड स्क्रीन में इसका वीडियो डाल दूँगा। इजी मैट्रिक का भी मैंने यहाँ पे एनालिसिस वीडियो बनाया हुआ था, मल्टीबैगर इथेनॉल का जो है मैंने बनाया हुआ था, सुजलॉन का भी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे वीडियो बना के डाला हुआ है, ये कम से कम एक महीने पहले मैंने डाला हुआ था, न्यूज़ में तो बाद में आया। वेरॉक इंजीनियरिंग अगर देखोगे आप, सोनोकॉम्स इसके कौन से बाइंग लेवल है, हैप्पीएस माइंड का है, ट्राइडेंट का मैंने डाला था, उसके बाद ही इसने कम से कम 10% 9% 5% ऐसा गेन हमने दिखाया था इसमें जब भी मैंने एनालिसिस वीडियो डाला है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे एक अच्छे से इंडिकेटर के साथ, और एक मैं बहुत ही जल्द एक पेनी शेयर करने वाला हूँ आपके साथ में, उसका एनालिसिस वीडियो शेयर करने वाला हूँ, जो कि बिल्कुल डेप फ्री है, मतलब जिसके ऊपर कर्जा नहीं है बिल्कुल, और जिसका प्रमोटर होल्डिंग्स भी काफ़ी अच्छा है और बिल्कुल 30 रुपये से लेके 40 रुपये के बीच में है, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू है तो उसके डिटेल्स भी आप पा सकते हो नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर देना। थैंक यू।